माइग्रेन यानी कि हिंदी में अर्ध कपारी एक ऐसा प्रॉब्लम है जो कि जिसे होता है ना उसी को पता चलता है। कहते हैं कि ऐसा जो है फील होता है कि जैसे कोई हथौड़ा मार रहा है आपके सर पे, और ये जो हथौड़े का इफेक्ट होता है ना, ये किसी भी दवाई से जो है वो जल्दी ठीक नहीं होता। आप जितनी भी दवाइयां खाओगे तो ये थोड़ा सा आराम होता है और फिर से जो है वो होना शुरू हो जाता है, लेकिन जितनी दवाइयां खाओगे उसके साइड इफेक्ट भी जो है ना बहुत ज्यादा होते रहते हैं। तो क्या नेचुरली कोई ऐसा तरीका है जिसके चलते ये माइग्रेन का जो दर्द है ना आप उसे छुटकारा पा लो? तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो कि आपके किचन में ही मिल जाएगा जो कि माइग्रेन के प्रॉब्लम को कम कर सकता है। अब इसमें से जो पहला आता है वो आता है अदरक यानी कि जिंजर। अदरक में जो है एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होता है जिसके चलते ये आपके माइग्रेन के प्रॉब्लम को कम कर सकता है। अब अदरक आप किस रूप में लोगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप उसे चाय के फॉर्म में ले रहे हो या फिर सब्जी में डाल के खा रहे हो या फिर वैसे ही अदरक जो है आप अपने मुंह में रख के थोड़ी देर रख रहे हो। दूसरा जो होता है चेरी। चेरी में भी एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होता है जो कि बहुत ज्यादा यूजफुल होता है माइग्रेन के लिए। और अगर चेरी की बात करते हैं तो चेरी जो है आपको सीजनली जो है मिलता है, तो अगर जिस सीजन में आपको दर्द हो रहा है अगर उस टाइम मिल रहा है तो आप इसे सेवन कर सकते हो जो कि आपके सेहत के लिए काफी अच्छा हो सकता है। अगला जो आता है वो आता है पेपर मिंट, जिसमें कूलिंग इफेक्ट ज्यादा अच्छे तरीके से होता है जिसके चलते आपको राहत पहुंचा सकता है। इसके अलावा आप पालक, हल्दी, शकरकंद का भी जो है वो यूज कर सकते हो, जिनमें भी अलग अलग जो गुण होते हैं ये काफी अच्छे तरीके से माइग्रेन के प्रॉब्लम को कम कर सकते हैं। अब हमेशा के लिए माइग्रेन जो है वो खत्म नहीं हो सकता, क्योंकि माइग्रेन जो है वो आपके डेली हैबिट पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। अगर आपका डेली हैबिट बहुत ज्यादा खराब है तो हो सकता है कि आप माइग्रेन के प्रॉब्लम से बहुत ज्यादा जूझते हुए नजर आएंगे। तो इस चीज को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए आपको अपना टाइम टेबल सुधारना होगा, और साथ में जो भी चीजें बताया है अगर माइनर सा दर्द है या फिर जो है माइग्रेन के प्रॉब्लम बार बार आपको देखने को मिल रहा है, तो इन सारी चीजों का सेवन बिल्कुल आप टाइम टू टाइम करते रहे, जिससे ये प्रॉब्लम जो है बहुत अच्छे तरीके से आपका कम हो जाएगा। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो में।